नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा कंसल, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही छोटी बात लेकिन जिसका असर आपके पूरे घर पर पड़ता है बताने वाली हूँ। मकड़ी, हम सभी यह तो जानते हैं कि मकड़ी के जाले अगर घर में बने हो तो वह हमारे घर के लिए अच्छे नहीं होते, पर मैं आप सभी को आज बताऊंगी कि क्यों अच्छे नहीं होते और मकड़ी के जाले बने होने से घर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हम अपने घर के अंदर अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, मकड़ी का जो जाला होता है उसकी आकृति इस प्रकार से होती है कि वो नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करता है। यानी कि आपके घर के जिस जिस कोने में मकड़ी के जाले हैं वहां बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जितने भी मकड़ी के जाले हैं आपको उनको साफ करना है ताकि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर ना रुक पाए। मकड़ी के जो जाले बनते हैं इससे वास्तु दोष भी आता है घर के अंदर। साथ में मकड़ी के जाले जब होते हैं तो मैंने आपको बताया नकारात्मक ऊर्जा आती है घर के अंदर। नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ घर में जितने भी लोग हैं स्वास्थ्य से भी परेशान होते हैं, उनका मन अशांत होता है, घर की जो सुख समृद्धि है वो भी चली जाती है। तो फ्रेंड्स, बात बहुत छोटी है लेकिन इसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों का पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तो इन मकड़ी के जालों को नियमित रूप से आप कोशिश करें कि इनकी दवाई आप लाकर डालें घर के कोनों में ताकि ये मकड़ी अपने जाले घर के अंदर बना ही ना पाए। और जितना आपका घर सुख रहेगा, पॉजिटिविटी के साथ भरा रहेगा, इन सारी नेगेटिविटी से दूर रहेगा तो आपके घर में ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको किसी भी पंडित के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा सकते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियोस की मैसेज आने के लिए। धन्यवाद।